गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज ऑनलाइन क्लास कंडक्टेड बाई सेंट जेम्स स्कूल एंड कॉलेज। ये वीडियो आपका कक्षा 3 विषय हिंदी व्याकरण का है। तो इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 3 किया, शब्द, मात्राएं और वाक्य। पार्ट 4 किया संज्ञा। फिर हम लोगों ने पत्र लेखन किया, कैसे पत्र लिखा जाता है का तरीका हम लोगों ने सीखा। आज हम लोग निबंध लेखन करेंगे। अब निबंध लेखन क्या है? किसी भी विषय के ऊपर हमको कम से कम एक अनुच्छेद यानी कि 10 से 15 वाक्य कम से कम उस विषय से संबंधित हमको लिखना आना चाहिए। अब कोई भी विषय हो उसके बारे में हम इतना तो जानते ही हैं कि उसके बारे में हम 10 से 15 8 से 10 वाक्य तो लिख ही सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि कैसे लिखोगे, कैसे लिखा जाए कि एक अनुच्छेद बने। तो अभी आप अनुच्छेद को ही निबंध के रूप में जानो। तो किसी भी विषय को, जो भी विषय आपको लिखना है, तो पहले तो उसका संक्षिप्त परिचय दे दीजिए कि वो क्या है, क्या है, कैसा दिखता है, उसका क्या प्रयोग है, उपयोग है, उसके क्या फायदे हैं और उसका क्या नुकसान है, और वो अंत में निष्कर्ष क्या है। एक एक लाइन में इन विषयों से संबंधित आप लिखोगे तो आपका एक अनुच्छेद तैयार हो जाएगा। तो अब जुलाई खत्म हो रही है, तो अब अगस्त महीना आ रहा है। और अगस्त महीना आने का मतलब, जैसे ही अगस्त शुरू होता है तो आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में, सभी के दिमाग में 15 अगस्त सबसे पहले आता है, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इसको हर धर्म के लोग मनाते हैं, पूरे भारत देश में मनाया जाता है। तो ये राष्ट्रीय पर्व है और सारे स्कूल, विद्यालय, सब जगह मनाया जाता है। और इस दिन राष्ट्रीय अवकाश रहता है, यानी राष्ट्रीय अवकाश का मतलब कि हम कोई कार्य नहीं करते, केवल त्यौहार मनाते हैं। ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय अवकाश का मतलब कि आप घर बैठो, घर नहीं बैठना होता किसी को। राष्ट्रीय पर्व में आप जहाँ भी कार्यरत हो, जहाँ भी काम करते हो, वहाँ आपको पहुँचना अनिवार्य होता है। कोई छुट्टी नहीं ग्रांटेड होती इस दिन। तो ये राष्ट्रीय अवकाश घोषित होता है और हमको ये कार्यक्रम भी मनाना होता है। तो 15 अगस्त आपने अभी फर्स्ट से सेकंड थर्ड में पहुँचे हो, तो 3 साल तो मान लीजिए कि आप पिछले साल स्कूल नहीं गए हो, लेकिन फर्स्ट में तो स्कूल आए हो। तो स्कूल में क्या देखा आपने, उन सब के बारे में आप कम से कम जो जानते हो वो लिखिए। तो आते हैं हम अपने विषय पे। स्वतंत्रता दिवस पे हमने अपना विषय लिया है कि इसके बारे में आप बहुत कुछ जानते हो, तो इसी विषय पे हम लोग लिखते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस में सबसे पहले आपको झंडा यानी फ्लैग, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस कुछ भी होता है तो आपके हाथ में पहले आपका तिरंगा होता है। छोटे छोटे आप होते हो, लेकिन तिरंगा झंडा जरूर लेके, फ्लैग लेके जरूर घूमते हो। तो सबसे पहले आपको
को